Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. मैंने उसे समीर से बात करते हुए सुना था। समीर की बीवी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसने तुम्हारे बच्चे को गोद लिया है। वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा है शहरयार। तुम हमारी हो, हमारी अपनी, और वो बच्चा भी हमारा। बच्चा जिसे आप अपना पोता समझ रही है ना, वो आपका पोता नहीं है, वो मेरे नवासे का बेटा है। और अपने बच्चे के बगैर अब तो एक पल भी नहीं रुका। वो अब हमारा बच्चा नहीं है, उसे कोई नहीं ले सकता। शरी, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। हाँ, ये सही है शेरी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, मेरे बेटे को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हूँ तुम्हारी मामा, मैं कोई मेरे से नहीं लेके जा सकती। जारा, दरवाजा खोलो प्लीज। जारा प्लीज चले जाओ सब, हमें अकेला छोड़ दो। समीर, मेरी फैमिली में एक इमरजेंसी हो गई, मुझे फौरन भागना पड़ेगा। था क्यों, क्या हुआ? मेरे मामू का बेटा सीढ़ियों से गिर गया नीचे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जाओ। ओके। सारा प्लीज दरवाजा खोलो। सारा प्लीज दरवाजा खोलो। डोंट डू दिस। सारा। आपको बंद कर लिया कमरे में, दरवाजा नहीं खोला। मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब करोगे। अम्मा, मैंने आपके साथ फरेब किया? धोखा दिया मैंने आपको? हर रोज आपकी फरमाइश होती थी कि मैं दूसरी शादी करूं, और वो तैयार थी जहर खाने के लिए। आपको ये नजर नहीं आ रहा था? अरे, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद के हाँ औलाद हो, वो अपने पोते पोतियों को देखे, नवासा नवासियों को देखे। तो मैंने कौन सी ऐसी गलत ख्वाहिश की? यह आपकी की तो ख्वाहिश थी। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने और ज़ारा ने ये सारा ड्रामा किया, और अभी भी आप खुश नहीं हैं? अब आप माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करते करते बेशक हम तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, मुझे बताए हुआ क्या है, कहाँ है? भाग गई है वो। जब वो एकेडमी जाती थी तो वहाँ किसी लड़के के साथ चक्कर चला लिया, और खुद अम्मा जान ने उसके कॉल्स भी पकड़े, उस लड़के के साथ उसको देखा भी है। What's rubbish? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं, मैं अच्छी तरह से उसको और उसके कैरेक्टर को जानता हूँ, वो इस तरह कभी नहीं कर सकती। अब क्यों झूठ बोल रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे क्या मिलेगा ये झूठ बोल के? अस्मा ने ऐसा ही किया है, धोखा दिया है तुम्हें। अमेरिका जाने के चक्कर में उसने तुमसे मोहब्बत का नाटक किया और तुम्हें बेवकूफ बनाया। इस निकाह की उसकी नजर में सिर्फ इतनी ही हैसियत थी कि उस कागज के टुकड़े के पुर्जे पुर्जे करके वो मेरे मुंह में मार के चली गई है। ये क्या कर रही हैं आप? अस्मा और शहरयार के निकाह का सबूत जला रही हैं। शहरयार की शादी सिर्फ सुंबल से होगी और किसी से नहीं। लेकिन बहू बेगम, आप ये बहुत ही गलत कर रही हैं। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। आसमाने और शहरयार ने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। बस सदा, शहरयार और अस्मा के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं था, यही सच है। अस्मा को लेके किसी लेडी डॉक्टर के पास जाओ और इस बोझ से उसकी जान छुपाओ। क्या मतलब बेगम साहिबा? अब मैं इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं करी कि तुम्हें मेरा मतलब ना समझ में हो। अबॉर्शन करवा दो उसका। छुप कर अंधेरों में बने रिश्ते शरीफ और खानदानी लोगों की निशानी नहीं हुआ करते।
दरवाजे भाभी आप ऐसे कैसे कह सकती है? आपको तो सब कुछ पता है, मैंने आपको अपना निकाहनामा भी दिखाया था, आपके पास सबूत है, आप दिखाए ना अम्मा जान को। अरे क्या बकवास कर रही हो, कौन सा निकाहनामा, कब दिखाया था मुझे? भाभी इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ आप कैसे कह सकती है मुझसे? आपने देखा है मेरा निकाहनामा, को बद्दुआ लगेगी मेरी और मेरे बच्चे की। भाभी कहाँ है भाभी, क्या हुआ इसे? यार पता नहीं, सीढ़ियों पे खेल रहा था, गिर गया, बेहोश है, डॉक्टर्स अभी देख रहे हैं। मैं भी डॉक्टर से बोलूं। रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना, मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये क्या बात है? शेर यार प्लीज खामोशी से मेरी बात सुनो, आज मुझे बोल लेने दो, मैंने अस्मा के साथ बहुत गलत किया, निकाहनामा भी मैंने जलाया था, उसे घर से भी मैंने ही निकाला था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मारने की भी साजिश की थी, तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन लेकिन देखो खुदा ने मेरे साथ क्या किया, आज मेरा बच्चा मौत के मुंह में, मुझे माफ कर दो यार, मैं आसमा के पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूंगी, खुदा के लिए तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हें अपने बच्चे का वास्ता, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। भाभी अस्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मैंने शहरयार को सब कुछ बता दिया, मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा निकाहनामा मैंने जलाया था, है ना, मैंने शहरयार को ये भी बता दिया कि तुम्हें घर से धक्के देके मैंने ही निकाला था, और जहाँ तुमने पनाह ली थी वहां से भी तुम्हें मैंने निकलवाया था, मैंने इसको सब कुछ बता दिया, तुम पूछ लो शहरयार से, शहरयार बताओ, मुझे माफ कर, खुदा के लिए मुझे माफ कर, मैंने अन्नाबी को भी अपने साथ मिलाकर अम्मा जान को भी भड़काया था, मैं अम्मा जान को भी सब कुछ बताऊंगी, उनसे भी माफी मांग लूंगी, तुम मुझे एक बार माफ कर, तुम तो बहुत अच्छी हो ना, सब लोग तुम्हारी इतनी तारीफ करते, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, मुझे माफ कर दो, देखो अंदर तुम्हारा हाथ है, मौत के मुंह में डॉक्टर्स कह रहे से कोई चोट नहीं लगी, कोई खून भी नहीं निकला, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो होश में नहीं आ रहा, अस्मा तो मुझे माफ कर दो, एक दफा माफ कर दो, हाँ क्यों नहीं माफ कर रही, क्यों माफ नहीं कर रही मुझे, मेरा बच्चा मौत के मुंह में, तुम भी तो एक माँ हो, ऐसे भुत बनी क्यों खड़ी हो, क्यों नहीं सकती, फिर चीखने लगी, मैं फिर चीखने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे माफ कर दो, देखी कातिल मुझे एक बार माफ कर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। भाभी के साथ कौन है, प्लीज जल्दी आइए। मैं उसके साथ, मैं उसके साथ। हादी तो बिल्कुल मासूम है, उसकी क्या गलती थी? अल्लाह ताला उसको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे हादी को कुछ नहीं होना चाहिए, हादी
बच्चे मेरे मालिक। बेशक औलाद तेरी नेमत है, हमारे पास अमानत है तेरी मेरे रब, लेकिन इनसे जुदा ही बर्दाश्त नहीं होगी मेरे मौला। तू बख्शने वाला मेहरबान है मेरे रब, हमारी गलतियों की, हमारे गुनाहों की पकड़ न करना मेरे मालिक। मेरे बच्चे से कोई गलती हो माफ कर दे, हमारी गलतियां माफ कर दे मेरे अल्लाह, तू बख्शने वाला है। अल्लाह तू ही है मेरे मौला, तू ही है मेरे आका, मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना मेरे रब, मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना। बीबी ने दरवाजा खोला होगा कि नहीं, वहां पर तो फीडर भी नहीं रखा। शेरी सिर्फ मामा से लव करता है ना, सिर्फ मामा से लव करता है। शेरी को और कोई नहीं पसंद, सिर्फ मामा अच्छी है ना। शेरी देखो, मामा तुम्हारे लिए टेडी बेयर लेकर आई, सारे टॉयज लेकर आई है मामा। समीर साहब, शेरी को भूख लगी होगी, बहुत देर हो गई है और अब तो मुझे उसके रोने की भी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलो ना कि वो दरवाजा खोले। जारा बीबी, मैंने कहा ना चले जाओ साहब। जारा बीबी, अल्लाह का वास्ता दरवाजा खोले, मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी। जारा बीबी, उसे कुछ नहीं खाया हुआ। नहीं, मैं जानती हूँ तुम शेरी को मुझसे दूर लेना चाहती हो, तुम उसे दूर ले जाओगी, मुझसे अलग कर दोगी। शेरी के बगैर नहीं रह सकती, शेरी कहीं नहीं जाएगा, शेरी मेरा बेटा है। शेरी देखो, शेरी देखो टॉयज, इतने सारे टॉयज लाएंगे, इतने सारे टॉयज है तुम्हारे। हाँ जारा बीबी, अगर तुम सब लोग यहाँ से नहीं गए तो आई प्रॉमिस यू मैं शेरी को यहाँ से लेके बहुत दूर चली जाऊंगी, कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा फिर। नहीं जारा बीबी, आपसे वादा करती हूँ कि आपसे बच्चा कोई नहीं छीनेगा, मेरा आपसे वादा, लेकिन दरवाजा तो खोले। नहीं खोलेगा ये दरवाजा, नहीं खोलूंगी मैं। हादी को क्या हो गया, ये सब मेरी वजह से हो, ना मैं होती ना आप ही ऐसा कुछ करती, ना ही अस्मा के साथ ऐसी कोई ज्यादती होती। काश अल्लाह तुम्हें के साथ मुझे भी उठा लेता। सुमन प्लीज, इस तरह मत कहो, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ होती है, हम कुछ भी सोच लें कुछ भी चाहें, होता तो वही है ना जो वो चाहता है। आपी, आपी? आपी? क्या हुआ है?
क्या कहा डॉक्टर ने? अस्मा का अस्मा चली गई। अभी डॉक्टर ने क्या कहा? उसने मुझे माफ नहीं किया ना, वो चली गई, इसीलिए मेरा बच्चा अंदर मर रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं वो नहीं बचेगा, आधी नहीं बचेगा। माफ नहीं किया ना, उससे मुझे माफ नहीं किया, मैंने तुमसे माफी मांगी थी ना, मांगी थी ना, अपने हर जुर्म का इतराव किया था ना, फिर यार मैंने मांगी थी ना माफी, बोला सब खैरियत है? हादी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी मुमानी, उनकी तबीयत कुछ क्रिटिकल है, वो ठीक नहीं है। दरवाजा नहीं खोला अभी तक? सारा बीबी दरवाजा नहीं खोल रही, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। जारा बीबी दरवाजा खोले, तो समझ ही नहीं आ रहा है कहीं अंदर वो बेहोश ना हो गया। तुम लोग कब से इसी तरह खड़े हुए हो? अब तक तो दरवाजा तोड़ देना चाहिए था। सारा, 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 सारा होश, सारा, सारा उठो, सारा, 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 शहरयार एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। सारा प्लीज होश में आओ। सारा, अल्लाह करे सारा ठीक। पेशेंट जारा के साथ कौन है? जी मैम, प्लीज आइए। समीर, समीर शहरी कहाँ है? शहरी, खामोश। हमारे लिए एक खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी? ओके, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस। व्हाट समीर? तुम मां बनने वाली हो। क्या? Yes. मुझे भी डॉक्टर ने बताया। समीर, are you sure? Yeah, yeah. नहीं समीर, लेकिन मैं तो बहुत बुरी हूँ। मैंने अस्मा के साथ बहुत बुरा किया, तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रहम कैसे कर दिया? खामोश, just be quiet. सब ठीक हो जाएगा। You're sure? I'm sure. पीजी को बताया, तुम मुझसे बहुत नाराज होंगे, उन्हें अगर मुझे माफ नहीं किया तो। Don't worry about it. Don't worry. मैं सब हैंडल कर लूंगा। You happy? Yes. लेकिन समीर, प्लीज मुझे आसमा के पास ले चलो, उससे माफी मांगो। ठीक है। Stop crying. Don't cry. Not good for you.
क्या हुआ, शी ओके? यस, शी इज ऑल राइट। क्या बात है, हमारी निशानी को महफूज रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया शहरयार? दर दर की ढोकरे खाई, लोगों की गालियां सुनी, तोहमतें सुनी, क्या कुछ नहीं किया मैंने? हजार दफा जी हजार दफा मरी, कभी खुदकुशी की और कभी, लेकिन तुम नहीं समझ सकते ना, तुम पे थोड़ी गुजरी है। सारा वक्त मैंने अकेले काटा है, तुम तो बस सारा हर फैसला सुना दिया और बीच में सारा छोड़ के भी चले गए, कभी पलट के नहीं पूछा, सोचा नहीं मेरे बारे में। तुम कब आए? आप या मैंने सालार को माफ कर दिया, मैंने सोचा कि हम इंसान भी कितने गुनाह और कितनी गलतियां करते रहते हैं ना, अल्लाह भी तो हमें माफ कर देता है, इसलिए मैंने सालार को एक मौका और देने का फैसला किया, क्योंकि मैं सालार से बहुत मोहब्बत करती थी और करती हूँ। सलार है कहाँ पे? वो नानू को लेके हॉस्पिटल गए हैं, नानू बहुत परेशान होती हादी के लिए और मामी के लिए। नाजिया मामी है कैसी, कैसी तबीयत है उनकी? मामी ठीक नहीं है, डॉक्टर्स भी कुछ ज्यादा पर उम्मीद नहीं है। अल्लाह सेहत दे उन्हें, पता नहीं किसकी नजर लगी हमारे घर को। तुम्हारे बेटे के बारे में सुना, बहुत बहुत मुबारक हो। अस्मा कहाँ है? घर पे। घर पे? लेकिन वो तो घर पे नहीं है, घर तो ये है ना उसका। शहरयार तुम चलो मेरे साथ, मैं जाके खुद उसको मना के लाऊंगी, मुझे पता है कि वो मेरी बात कभी भी नहीं टालेगी। नहीं भाभी, मैं चाहता हूँ अस्मा जिंदगी के सारे फैसले खुद करें कि वो कहाँ रहना चाहती है और क्या करना चाहती है। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम अस्मा के साथ नहीं रहोगे, तुम्हारा बच्चा? भाभी मैं आपसे बाद में बात करूंगा इस बारे में, इस वक्त आप हॉस्पिटल जाए और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला नाजिया मामी की माफी कबूल कर ले और वो ठीक हो जाए। तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह में सब बेहतर करेंगे। ये बच्चा उनका है, इबादत खिलाफी नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो मैं धोखेबाज हूं और ना ही बेवफा। रह लोगी तुम अपने बच्चे के बगैर? हाँ, मुझे आदत हो गई सर तड़प तड़प के रहने की, और मैं सबके बगैर रह लूंगी। बस एक बार और बता दो, मेरे बगैर भी जी लोगी? हाँ जी लूंगी। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। मैं मानता हूं शहरयार ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो मैं बेवफा समझा, तुम्हारी वफादारी को दागदार किया, मैं मानता हूं, लेकिन वक्त और हालात ऐसे ही थे, इसे यही करना था। मैं होता मैं भी यही करता उसकी जगह। अगर सारा बीबी तो सारा ने मेरे साथ क्या किया, उसने भी मुझे बेवफा समझा, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं।
मैंने इसको नहीं छोड़ा। अस्मा खुदा भी इंसान को माफ कर देते हैं और वो हमारा खालिक है, पर हम उसकी मखलूक होकर एक इंसान को माफ नहीं कर सकते सिर्फ अपनी जिद और अपनी अना के लिए। लेकिन ये जिद और अना नहीं है। समीर सही कह रहा है आसमा, तुम्हें शहरयार को माफ कर देना चाहिए। आई होप जो मुझसे गलतियां हो गई हैं तुम उन्हें भी भूल जाओगी। गलत फहमियां रिश्तों को बर्बाद कर देती हैं आसमा। और जहां तक रही बात शेरी की, तो ये अब मेरी अमानत है तुम्हारे पास। अब वैसे भी ये तो हमारा लकी चार्म है ना, इसकी जिंदगी में आते ही अल्लाह ताला ने मुझे माँ बनने की नेमत से नवाज दी। लेकिन ये तो वादा खिलाफी हो जाएगी और मैं ये नहीं कर सकती। बस अब और कोई बहस नहीं होगी। ओके समीर, तुम प्लीज शहरयार को जल्दी फोन करो। और आसमा तुम चलो, आज मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी। ओके लेट्स गो। कहाँ रह गए हैं भाई, फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे बेचैनी हो रही है, कब आएंगे? दादी जान, छोटू के लिए छोटा सा तोहफा। अरे बहुत प्यारा। और छोटू क्यों कह रहे हो भाई? भाई है तुम्हारा। बहुत प्यारा तोहफा है। तोहफा मारिया, हम तो शहरयार के बेटे के लिए तोहफा लेना भूल ही गए। अरे कोई बात नहीं, जब आएगा तो ले लेना उसके लिए। जरा पता तो करो कहाँ रह गए ये लोग, कब से तो इंतजार कर रही हूँ। अरे नानू आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं, वो लोग पहुँचने वाले ही होंगे। अरे कब आएंगे? अल्फाज नहीं है मेरे पास बेटा, बहुत शर्मिंदा हुए। हो सके तो जान मुझे बताए कि ये किसके ऐसा दिखता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा। जी नहीं, मेरा भाई मुझसे ही मिलता है। अरे सबकी तरह दिखता है माशाल्लाह, बहुत प्यारा मुझे है मेरा। तुम्हारा भाई मैं हूँ ये नहीं। लाओ तो मुझे तो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नानो मुझे भी तो दिखाए ना। अरे देखो ना। बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। आपको मालूम है आपका क्या लगता हूँ? दाया अबू। इसमें I'm sorry, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बहुत रूठ रही हूँ। अब हमें पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। दानो मुझे पकड़ा है ना। अरे लो लो लो, संभाल के लेना जरा। नौरीन आपा नहीं दिख रही। नाजे भाभी कहाँ है हादी? वो तो अपने रूम है, मैं उनसे मिलके आती हूँ। Thank you, Dana. कब तक आप छुपी रहेंगी कमरे में? आप ही
आपको अस्मा का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? देख लो तुम्हारे सामने, हमेशा तुम्हें इस घर से निकालने में लगी रही मैं। आज मैं सबकी मोहताज हो गई, और अच्छा हो, बहुत अच्छा किया अल्लाह ने मेरे साथ। जब लोग अपने रिश्तों की मुफाद में दूसरों पर इतनी जुल्म और ज्यादती करते, वो ये भूल जाते कि उनके खुद के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। अकाफाते अमल है, ये तो होना ही था मेरे साथ, ताकि मुझे देख के लोग इबरत हासिल कर सके और कोई किसी के साथ इतना जुल्म ना करे जितना मैंने तुम्हारे साथ किया। बस ये भाभी गलत सोच नहीं है। आसिया भाभी देखे ना, मैं बिल्कुल सही सलामत आपके सामने बैठी हुई हूँ, शरियार की बीवी हूँ, हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, आपने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे माफ कर दी, इस वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हादी की जान बच गई। नासिर भाभी सब ठीक हो जाएगा। मामा ने अपना बिजनेस बाहर सेटल कर लिया तो वो ज्यादातर मुल्क से बाहर होते। क्यों झूठ बोल रहे हो शरियार? साफ साफ कहो ना कि वो मुझे छोड़ के चले गए। मैं उनके बच्चे की माँ हूँ, सिर्फ इसलिए मुझे बर्दाश्त करने, वरना वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते। चले गए मुझे छोड़ के क्योंकि मैं बहुत बुरी, बहुत बुरा किया है मैंने सबके साथ। मैं बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, साथ भाई भी आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। सुम्बुल, मैं तुम्हारे और शहरयार के दरमियान कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लाह ताला ने शहरयार को मेरे नसीब में ही लिखा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और अगर मेरी वजह से तुम्हारा थोड़ा सा भी दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं अस्मा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? नौरीन, यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा, अकेले तुम? सब लोग अंदर जमा हैं, आओ ना अंदर चलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उन लोगों का सामना कैसे करूं, मैं मुजरिम हूं उनकी। गलती तो हुई है बेटा, सामना तो करना पड़ेगा। देखो बेटा, जिंदगी का धारा इंसान को बहुत सी मुख्तलिफ समतों में ले जाता है, कहीं बदगुमानियां, कहीं झूठ, गुस्सा, और ये उतार चढ़ाव तो जिंदगी की हकीकत होती है बेटा। लेकिन जब बदगुमानियां दूर हो जाए तो खुशियों को आगे बढ़कर गले लगा लेना चाहिए। चलो आओ अंदर चले। आओ मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ आसमा, मुझे माफ कर दो। अपने पोते से नहीं मिलेंगी? माशाल्लाह।
बचा कुछ भी नहीं, आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। तू करीब इतना मुझे शाम सहर लगता है, दिल की शाखों पे मोहब्बत का समर लगता है, देखी अनदेखी बहारों का असर लगता है, और कुछ खुशियों के चिन जान का डर लगता है। तू मिला है तो कहूँ कैसे, मिला कुछ भी नहीं, आतिश इश्क शहरयार के बचा कुछ भी नहीं।